आपका स्वागत है हमारी शनादर वीडियो में। इससे पहले हम जो है यूनिट 1 और यूनिट 2 का जो है हमने वीडियो बना लिया है, वो भी एनिमेशन के साथ। साथ ही साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपको सारे चैप्टर का जो है एमसीक्यू के साथ साथ क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएगा। तो आप हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जो है आईटी के क्वेश्चन आंसर को भी देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट 3 दैट इज डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन। तो पहले के दिनों में जो है डॉक्यूमेंट को टाइप करने के लिए जो है मैनुअल टाइपराइटर का उपयोग करना पड़ता था, जिसमें यूजर क्या करना पड़ता था, की को जो है जोर से प्रेस करना पड़ता था, उसके बाद वो करेक्टर जो है पेज में प्रिंट होता था। तो इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस था, इसमें एडिट करना, इसमें अगर कोई गलती हो गया तो पूरा डॉक्यूमेंट हमारा ख़राब हो जाता था। तो उसके बदले में जो है इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर लाया गया। तो इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर में भी वो सारे फीचर्स नहीं थे जो एक जो है टाइपिंग करने के सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन में होना चाहिए, क्योंकि इसमें भी जो है हमको स्क्रीन बहुत छोटा होता था, तो इस कारण से इसमें सारा कंटेंट को एक बार में देखना जो है पॉसिबल नहीं होता था। इसी उद्देश्य से जो है कंप्यूटर का उपयोग किया जाने लगा, और कंप्यूटर में जो है वर्ड प्रोसेसिंग, डाटा प्रोसेसिंग, कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके जो है हमारे जो ऑफिस के जो एक्टिविटी है उसको जो है इफेक्टिव तरीके से आज के समय में हम कर सकते हैं। इसके लिए जो है हम ऑफिस प्रोडक्टिव सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं, चाहे वो एमएस ऑफिस हो, लिब्रे ऑफिस हो या फिर ओपन ऑफिस का उपयोग किया जाता है। तो रिटर्न कंटेंट वाला जो पेज होता है तो उसको क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट बोलते हैं। और इस डॉक्यूमेंट को तैयार करने या उसको प्रिपेयर करने का जो प्रोसेस होता है उसी को डॉक्यूमेंटेशन कहा जाता है। यानी अगर हम जो एक कॉपी में जैसे अगर कोई कंटेंट लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट कहते हैं। लेकिन उस डॉक्यूमेंट को बनाने का कितने अच्छे तरीके से हम सजा सकते हैं उसको डॉक्यूमेंटेशन कहा जाता है। तो वही कंप्यूटर के लिए भी जो है अप्लाई होता है। तो कंप्यूटर में किसी भी कंटेंट को अच्छे तरीके से अगर हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसको डॉक्यूमेंटेशन कहा जाता है। तो कंप्यूटर का यूज़ करने या कंप्यूटर में जो है वर्ड प्रोसेसिंग का यूज़ करने का बेनिफिट ये होता है कि हम अपने कंटेंट को जो है लंबे समय के लिए क्या कर सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं, ताकि जब भी हमको किसी कहीं पे एविडेंस के रूप में ज़रूरत पड़ता है तो उस डॉक्यूमेंट को हम आसानी से दिखा सकते हैं। अब ये डॉक्यूमेंट क्या क्या हो सकता है, ये डॉक्यूमेंट लेटर हो सकता है, रिपोर्ट हो सकता है, थीसिस हो सकता है, मेन्यूस्क्रिप्ट हो सकता है, लीगल डॉक्यूमेंट हो सकता है, बुक, ये भी हम क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू। अब क्यों लाया गया वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, हैंड रिटर्न भी तो हम डॉक्यूमेंट को जो है क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आपको मालूम होगा कि हैंड रिटर्न जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें हर एक का राइटिंग जो है अलग अलग होता है। हो सकता है कि मेरे राइटिंग को आप ना समझ पाए, आपके राइटिंग को कोई और ना समझ पाए। तो राइटिंग का जो है अलग अलग तरीके का होने के कारण से जो है इसमें बहुत सारे परेशानी हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकता है। वहीं पे कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के द्वारा जो डेवलपमेंट के द्वारा जो है हैंड रिटन डॉक्यूमेंट को हटा के हमने क्या कर लिया, यहाँ पे डिजिटल डॉक्यूमेंट जो है तैयार किया। इसमें होता क्या है, कोई भी यूज़र जो है डेटा को आसानी से रीड कर सकता है, क्योंकि इसमें जो है डेटा को रीड करने में किसी भी तरीके का, क्योंकि इसमें जो सेलेक्टेड जो फॉन्ट होता है वो आसानी से रीड किया जा सकता है। और ये डिजिटल डॉक्यूमेंट होने के कारण इस डॉक्यूमेंट में जो है क्लियरिटी भी अच्छी होती है। अब एक डेटा एंट्री ऑपरेटर को आपको मालूम होगा कि उसको जो है टाइपिंग का स्पीड होना चाहिए, साथ ही साथ जो है उसको ऑफिस प्रोडक्टिव टूल का भी उसको नॉलेज होना चाहिए। कैसे, जैसे अगर आप जो है अगर आपको टाइपिंग करने केवल टाइपिंग आने से आपके नहीं हो पाएगा, आपको जो है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का भी नॉलेज होना चाहिए, ताकि आप अच्छे से अच्छा क्या कर पाएं, अपने जो है जो डॉक्यूमेंट बनाए हैं उसको फॉर्मेटिंग कर पाएं। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करने में उसको कुछ सावधानी को भी बरतना पड़ेगा, क्योंकि उसको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा ताकि वो टाइपिंग करने में कोई उसको मिस्टेक ना हो। जैसे अगर हम एक टाइपराइटर में का उपयोग करते हैं तो हमको बार बार जो है स्पेस की को प्रेस करना पड़ता है, वहीं पे हम यहाँ पे टैप के थ्रू जो है आसानी से जो है गैप ले सकते हैं। अगर हमको लॉन्ग डिस्टेंस का गैप चाहिए रहेगा तो हम टैप के थ्रू जो है दो वर्ड के बीच में जो है डिस्टेंस वहाँ पे बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे जो है हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है एडिटिंग और फॉर्मेटिंग करना जो है हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। इसमें वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में जो है हम डेटा को इंटर करते हैं, एडिट करते हैं, फॉर्मेट करते हैं, स्टोर करते हैं, रिट्राइव करते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर इसको प्रिंट भी किया जा सकता है। तो ये सारे जो है बेनिफिट होता है, जबकि टाइपराइटर में ये सारे जो है कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। डॉक्यूमेंट क्या हो सकता है, लेटर भी हो सकता है, नोटिस भी हो सकता है, रिपोर्ट भी हो सकता है, बिजनेस करेस्पॉन्डेंस, ये सारे चीज हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का एप्लीकेशन होता है, जिसका उपयोग जो है हम जो प्रिंट करने के लायक जो कंटेंट होते हैं उसको क्या करते हैं, वहाँ पे
उसको प्रोड्यूस किया जाता है। शुरुआत में जो है वर्ड स्टार सबसे जो है फेमस जो क्या था, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर था, जो आने वाले समय में जो है कई सारे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आने के बाद जो है आज वर्ड स्टार का उपयोग नहीं किया जाता है। अब टाइपराइटर का कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है, उसको हमको समझना पड़ेगा। टाइपराइटर को क्यों रिप्लेस कर दिया गया, आज कंप्यूटर का उपयोग क्यों किया जाता है, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट टाइपिंग करने में जो अगर हमको कुछ एरर आ जाता है तो हमको उस पूरे पेज को क्या करना पड़ेगा, फिर से टाइप करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्टली पेज के ऊपर टाइप होता है। वहीं पे अगर हम कंप्यूटर में टाइप करते हैं तो आपको मालूम होगा हम पहले टाइप करते हैं फिर प्रिंट करते हैं, तो कोई अगर प्रॉब्लम रहेगा तो उसको वहीं पे हम रिप्लेस कर सकते हैं। दूसरा, हम अलग अलग पते या दो से अधिक व्यक्ति के नाम से अगर कोई लेटर टाइप करते हैं तो उस समय क्या करना पड़ेगा कि हमको बार बार टाइप करना पड़ेगा टाइपराइटर से। वहीं पे कंप्यूटर में हम एक बार टाइप करेंगे, केवल नेम या उसके एड्रेस को चेंज कर देंगे। टाइपराइटर में सभी जो अल्फाबेट्स या फिर सिंबल्स नहीं होते हैं, जबकि वहीं पे कंप्यूटर में हमको जो है डिफरेंट जो है अल्फाबेट्स और सिंबल हमको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम जो है डिफरेंट जो है की के थ्रू जो है अलग अलग जो है एक ही की में अलग अलग जो है सिंबल्स या लेटर को प्रोड्यूस कर सकते हैं। वहाँ पे लिमिटेशन होता है टाइपराइटर में। टाइपराइटर का उपयोग करते समय जो है हमको जिस मैनर में हमको क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए, वैसा तैयार कर पाना संभव नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे केवल टाइप कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग करने का उतना ज़्यादा वहाँ पे ऑप्शन नहीं रहता है। अब जब टाइपराइटर से बहुत सारे जब उसमें प्रॉब्लम था तो 1974 में जो है जीरोक्स कंपनी ने इसको क्या कर लिया, रिप्लेस करने के लिए जो है एक मैनुअल टाइपराइटर को हटा के क्या कर दिया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर लाया। अब इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर लाने से क्या हो गया कि यूज़र को कहीं ना कहीं बहुत सारे बेनिफिट हुए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर के में क्या होता था, एक बार में अगर हमने डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया, टाइप कर लिया तो सेव हो जाता था और उसी डॉक्यूमेंट को हम मल्टीपल टाइम प्रिंट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये था कि इसका स्क्रीन बहुत छोटा होता था, स्क्रीन छोटा होने के कारण से एक बार में हम एक लाइन या दो लाइन को देख सकते थे, तो ये भी हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो गया। फिर जैसे ही 1970 के बाद जो है 1980s जैसे ही आता है तो कंप्यूटर जो है डेवलप हो गया, और कंप्यूटर में जो है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर डेवलप होने के कारण से हम कंप्यूटर में जो है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू डॉक्यूमेंट बनाना शुरू कर दिए, जहाँ पे डॉक्यूमेंट को हम नेविगेट करना, एडिट करना, फॉर्मेट करना और प्रिंट किया जा सकता है। आज का जो आधुनिक जो है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जो बहुत ही सारे फीचर हमको प्रोवाइड कराता है, तो उसको बोला जाता है विंग्स। विंग्स का मतलब होता है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, यानी आप जैसा दिखाई देता है वैसे ही आप उसको क्या कर सकते हैं, प्राप्त भी कर सकते हैं। अगर मैं कंप्यूटर के स्क्रीन में जो भी टाइप करता हूँ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में और प्रिंट करूंगा तो एज इट इज जैसे आपने टाइप किया है वैसे ही आपको मिलेगा। तो ये सारे जो है बेनिफिट हो गया। अब वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में ना केवल हम टेक्स्ट को इंटर कर सकते हैं बल्कि उसको हमको जरूरत पड़ने पर उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ये सारे बेसिक एबिलिटी जो है हमको वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराता है। साथ ही साथ जो है यहाँ पे एफिशिएंट जो है टेक्स्ट मैनिपुलेशन फंक्शन भी प्रोवाइड कराता है, जिसका उपयोग करके हम अपने डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं, एक जो है अट्रैक्टिव फीचर के साथ जो है उसको आसानी से जो है डॉक्यूमेंट को मैनेज किया जा सकता है। तो ये सारे फीचर जो है यहाँ पे हमको प्रोवाइड कराता है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के क्या क्या जो है हमको एडवांटेज हैं। तो सबसे पहला चीज़ है यहाँ पे डॉक्यूमेंट बनाते समय हम क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को हम जो है सेव कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, उसको रिट्राइव कर सकते हैं, प्रिंट भी किया जा सकता है। तो ये सारे फीचर्स होते हैं कि डॉक्यूमेंट को एक बार बनाने के बाद हमको उसको अगर जरूरत पड़ता है फ्यूचर में फिर से हम उसी डॉक्यूमेंट को ले सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट में अगर एक जगह से टेक्स्ट हमको दूसरे स्थान पर ले जाना है तो आसानी से उसको सेलेक्ट करके ले जाया जा सकता है। टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट के भीतर जो है हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर कॉपी करना चाह रहे हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो आसानी से कॉपी किया जा सकता है। सेलेक्टेड टेक्स्ट को एक डॉक्यूमेंट से किसी अन्य डॉक्यूमेंट में ले जाके या कॉपी करना है तो वो भी किया जा सकता है। डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट का फॉन्ट का साइज अगर हमको चेंज करना है या फिर फॉन्ट का जो फेस है उसको चेंज करना है तो वो भी हम किया जा सकता है। पैराग्राफ के साथ साथ जो है पेज को भी फॉर्मेट किया जा सकता है, तो केवल पैराग्राफ फॉर्मेटिंग ही नहीं, हम वहाँ पे पेज फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग का भी फंक्शन हमको प्रोवाइड कराता है, हम उसमें जो है टेबल जो है क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाइड कर सकते हैं, उसके साइज को जो है रो कॉलम या सेल के साइज को भी आसानी से हम जो है कम ज़्यादा किया जा सकता है। एक से अधिक जो है डॉक्यूमेंट को कंबाइन भी कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, अगर हम चाहते हैं जो डॉक्यूमेंट को एक बनाना चाह रहे हैं वो भी किया जा सकता है। डॉक्यूमेंट के अंदर जो है हमको क्या करना है, इमेज या ग्राफिक्स एंटर करना है वो भी किया जा सकता है। डॉक्यूमेंट के सेलेक्टेड टेक्स्ट
या पेज को हमको अगर किसी स्पेसिफिक टेक्स्ट या पेजेस को ही हमको प्रिंट करना है वो भी किया जा सकता है। तो इस तरीके से हमको जो है बहुत सारे बेनिफिट जो है वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट को हमको मिल जाते हैं। इसीलिए जो है आज वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो है का उपयोग जो है बहुत सारे प्लेसेस में किया जा रहा है, जैसे बिजनेस हो गया, घर में किया जा रहा है, एजुकेशन के फील्ड में, स्कूल और कॉलेजेस में जो है यहाँ पे लेटर टाइप करने के लिए, रिपोर्ट तैयार करने के लिए और जो है डिफरेंट टाइप के जो है डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए किया जा रहा है। स्टूडेंट द्वारा इसका उपयोग जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने में, असाइनमेंट तैयार करने में किया जा रहा है। वहीं टीचर के द्वारा जो है क्वेश्चन पेपर या नोट्स तैयार करने के लिए इस जो है सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा रहा है। तो ऑफिस सूट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ जो है डिफरेंट टाइप ऑफ जो है वर्ड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन और डेटाबेस सॉफ्टवेयर का कलेक्शन होता है। तो कई तरीके का ऑफिस सूट हमारे पास अवेलेबल है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, लिब्रे ऑफिस है, ओपन ऑफिस है, लेकिन हम इस यूनिट में जो है लिब्रे ऑफिस के बारे में जानेंगे क्योंकि यहाँ पे लिब्रे ऑफिस के कई सारे बेनिफिट हैं। तो लिब्रे ऑफिस एक फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसमें जो है बहुत सारे जो है ऑफिस प्रोडक्टिव फीचर्स हमको मिल जाते हैं। और इस जो हमारे जो बुक में जो दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस का जो वर्जन है 6.0 में हमको काम करना है। इसके साथ साथ जो है कई सारे हमको यहाँ पे वर्जन हमको मिल जाएंगे। लेटेस्ट वर्जन भी आप इंटरनेट से जो है www.libreoffice.org से डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। और सबसे बड़ा बेनिफिट है कि यह जो लिब्रे ऑफिस है वो सारे प्लेटफॉर्म में काम करता है, जैसे विंडो है, मैक है और लिनक्स, ये सारे विंडोज में आपका काम करेगा। तो इससे क्या हो जाता है, अगर आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो आपके पास अगर विंडोज है तो आप मैक या लिनक्स वाले सिस्टम में भी उस डॉक्यूमेंट को ओपन करके देख सकते हैं। अब जब डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं लिब्रे ऑफिस से, तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट का जो फॉर्मेट होता है ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, ODF। तो लिब्रे ऑफिस के जो डिफरेंट जो अलग अलग जो सॉफ्टवेयर है उसका जो है लुक जो है एक समान होता है ताकि हमको एक समान फील हो। इसका उपयोग करने के लिए हमको जो है ज़्यादा कुछ जो है हमको ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं, ये आसान होता है। इसका इंटरफेस जो है हमको इजीली जो है समझ आ जाता है। अब लिब्रे ऑफिस के जो है डिफरेंट एलिमेंट, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग के लिए हमको राइटर मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के लिए यहाँ पे हमको कैल्क मिल जाता है, प्रेजेंटेशन के लिए इम्प्रेस मिल जाता है, डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए बेस मिल जाता है, ड्राइंग के लिए ड्रॉ मिल जाता है और कई सारे हमको यहाँ पे सॉफ्टवेयर का कलेक्शन मिल जाता है। तो लिब्रे ऑफिस में जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, HTML, XML, वर्ड परफेक्ट और PDF सहित कई सारे जो है फाइल फॉर्मेट यहाँ पे आसानी से खोले जा सकते हैं और इसको सेव करके भी रखा जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने जो है यहाँ पे लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड जो है बेसिक टर्म्स के बारे में हमने जान लिया, जो आपके बुक में जो है थ्योरी के अंतर्गत दिया हुआ था। अगला जो यहाँ पे हम बात करेंगे उसमें हम जो है इस चैप्टर से रिलेटेड जो है प्रैक्टिकल के बारे में बात करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और बेल के आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।